गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको मम्मी की बात बताने वाली हूँ। जब मैं छोटी थी और मेरी मम्मी मुझसे क्या कहती थी, मेरी बहुत बुरी आदत थी, जानते हैं क्या? मैं फूल तो तोड़ती थी, साथ में कलियाँ भी तोड़ लेती थी। तो फिर मम्मी बोलती थी कि जो बर्ड्स हैं, जो कलियाँ हैं, उनको नहीं तोड़ते हैं। मैंने बोला क्यों? तो मम्मी बोलती थी कि कलियों को तोड़ने से वो फूल नहीं बनेगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं बना देती हूँ। और मैं क्या करती, उसके पेटल्स खोलने लगती। तो मम्मी ने बोला कि देखो, पेटल्स बंद है मतलब वो फ्लावर का बच्चा है, और बच्चे से भगवान बातें करते हैं, और भगवान को कोई देख न ले, इसलिए उसके पेटल्स या उसकी पंखुड़ी है वो बंद रहती हैं, ताकि भगवान छुपे रहें और उस बेबी से बात करते रहें। सेम ऐसा ही होता है जब हम सब मम्मी के पेट में होते हैं और उसको देख नहीं सकते, क्योंकि उससे कौन बात कर रहा होता है? भगवान बात कर रहे होते हैं। और इसका प्रूफ कैसे मिलता है? जब बच्चा बाहर आता है मम्मी के पेट से और वो जब सोता है, तब आप उसके फेस को ऑब्जर्व करो। वो सो रहा होता है, लेकिन उसी में अपने फेशियल एक्सप्रेशन से वो कभी हंस रहा होता है, कभी रो रहा होता है। तभी मम्मी कहती हैं कि वो भगवान से बातें करता है, क्योंकि पेट में जब वो था तो बातें करता था भगवान से। तो इसलिए एक तो ये रीज़न मम्मी भी देती था कि मैं बर्ड्स को ना तोड़ूँ, जिससे कि वो फ्लावर बन सके। तब मैं इतनी छोटी थी कि मैं इसका साइंटिफिक रीज़न नहीं समझ पाती थी। तो शायद आपकी मम्मी भी ऐसे ही बोलती होंगी, या फिर आप ज़्यादा ही समझदार हो, न्यू जनरेशन है ना। तो नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे न्यू वीडियो, मम्मी की दूसरी बात बताने का वेट करने के लिए। थैंक यू।